हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बैंक रिकॉन्सिलेशन के कॉन्सेप्ट को मुकम्मल तौर पर देखेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन क्या होती है और इसको हम लोग क्यों बनाते हैं और इसमें कौन कौन सी चीजें हमने अपने माइंड में रखनी है जब भी बैंक रिकॉन्सिलेशन को हमने अटेम्प्ट करना है। अच्छा, बैंक रिकॉन्सिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर एग्जाम में आपको मिलेगी और एग्जाम के बाद अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाएंगे तो आपको डेली इसके साथ वास्ता पड़ेगा, क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलेशन जो होती है ये कैश के साथ लिंक करती है और बिजनेस कैश के बगैर चल नहीं सकता। और आपने अपने एरिया में बहुत सारे बैंक तो देखे होंगे, तो वो बैंक क्या करते हैं, वो बैंक दरअसल कैश की जो ट्रांजेक्शन है उसको हेल्प कर रहे होते हैं बिजनेस के लिए। तो वहां से हम बैंक इन्वॉल्व हो जाते हैं बिजनेस के साथ, जिसकी वजह से हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन बनानी पड़ती है। और इसको बनाने का मकसद ये होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि जो बैलेंस हमारे पास है कैश का, क्या वाकई हमारे बैंक स्टेटमेंट में वही आ रहा है या उसमें कोई फर्क है। तो उसके लिए हम इसको रिकॉन्साइल करते हैं। रिकॉन्साइल का मतलब ये है कि उसको हम लोग चेक करते हैं कि हमारा बैलेंस, जो हमारा कैश का बैलेंस है अपने बुक्स के अंदर, वो कितना है और बैंक का के अंदर कितना है, क्या उनके अंदर कोई डिफरेंस है, अगर डिफरेंस है तो वो क्यों है, उसको चेक करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको बनाता कौन है। इसको बनाता है जो है कंपनी बनाती है, ये बैंक नहीं बनाते, ये कंपनी बनाती है और उसको अकाउंटेंट वगैरह बना रहे होते हैं। लेकिन इसको अगर एग्जाम में बैठे हैं तो आप बनाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट है तो वो एग्जाम में एग्जामिनर नहीं बनाएगा, स्टूडेंट ही बनाएगा। चले अब हम लोग देखते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाने के लिए हमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। अच्छा, पहले तो बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाने के लिए आपके पास एक तो बैंक साइड का बैलेंस और बुक साइड का बैलेंस होना चाहिए। इसके बाद जो है आपको डिपॉजिट इन ट्रांजिट, आउटस्टैंडिंग चेक और बैंक एरर, इनका पता होना चाहिए कि ये क्या चीजें होती हैं और इनकी क्या ट्रीटमेंट होती है बैंक रिकॉन्सिलेशन के अंदर। अब जो ये तीन आइटम ही बैंक बैलेंस के साइड के ऊपर ही आएंगे, बाकी कुछ भी बैंक की साइड पे नहीं आएगा। यानी कि अगर हमें डेटा दिया जाए तो हमने सिंपली उस डेटे में से ये चीज देखनी है कि डिपॉजिट इन ट्रांजिट कौन सा है, आउटस्टैंडिंग चेक्स कौन से हैं और बैंक एरर कौन सी है। तो उसको हमने बैंक के जो बैलेंसेज है उसमें हमने इनकी ट्रीटमेंट करनी है। अब डिपॉजिट इन ट्रांजिट जो होता है इसको हम लोग ऐड करते होते हैं। अभी हम इन चीजों को डिटेल में भी देखेंगे आगे जाके, लेकिन मैं आपको वैसे जस्ट ओवरव्यू देता जा रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग चेक्स जो होते हैं इसको हम लोग लेस करते हैं बैंक स्टेटमेंट में से, और जो बैंक एरर्स होती हैं ये डिपेंड करता है एरर के ऊपर, तो इसको हम लोग लेस भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। इस तरह जो बुक साइड होती है इसमें हमारे पास बैंक कलेक्शन होती हैं, बैंक कलेक्शन हम लोग बुक के बैलेंस में ऐड करते होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होती है ये भी डिपेंड करता है, अगर हमें रिसीव हुए तो हम लोग ऐड करेंगे, अगर हमने पे किया तो उस वक्त लेस करेंगे। इस तरह सर्विस चार्जेस होते हैं इसको हम लोग लेस करते हैं। इस तरह इंटरेस्ट रेवेन्यू हो सकता है और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो सकता है। इंटरेस्ट रेवेन्यू की सूरत में हमें कैश मिलेगा तो उसमें हम लोग ऐड कर देंगे बुक साइड के ऊपर, और इंटरेस्ट एक्सपेंस की सूरत में हम लोग लेस कर देंगे। NSF चेक जो होते हैं इनको नॉन सफिशिएंट फंड चेक भी बोला जाता है, इनको हम लोग लेस करते हैं बुक साइड में से। कास्ट ऑफ द प्रिंटिंग चेक ये भी हमारे पास एक किस्म के एक्सपेंस हो गया, इसको भी हम लोग लेस करते हैं। बुक एरर ये चीज़ डिपेंड करेगी कि एरर किस तरह की है, तो इसको हम लोग लेस भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। चलें अब हम लोग इन जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको डिटेल में देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके एक क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे, तो उससे ये बातें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। चले हम लोग इन टर्मिनोलॉजीज को मजीद डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले है डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ये बेसिकली हमारे बैंक वाली साइड पे आएगा और उसमें ऐड होगा। अब इसमें डिपॉजिट इन ट्रांजिट असल में क्या है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट इज द मनी, ये असल में मनी है डेट हैज बीन रिसीव्ड बाय अ कंपनी, जो कंपनी ने रिसीव की है एंड सेंड टू बैंक और बैंक को भेजी है, बट हैज येट टू बी प्रोसीड एंड पोस्टेड टू अकाउंट बाय द बैंक, लेकिन अभी तक इसको बैंक ने कंपनी के अकाउंट में अभी तक प्रोसेस नहीं किया, तो ये हमारे पास डिपॉजिट इन ट्रांजिट आ जाएगा। तो इसको वजह से हम लोग इस डिपॉजिट इन ट्रांजिट को क्या करते हैं, बैंक में ऐड करते हैं, यानी कि जो बैंक वाला बैलेंस होता है उसमें हम लोग इसको ऐड कर देते होते हैं। चले अब हम लोग आउटस्टैंडिंग चेक को देख लेते हैं। जो आउटस्टैंडिंग चेक हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले हम लोग जो चेक है वो क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आउटस्टैंडिंग चेक को मजीद डिटेल में देखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। पहले हम लोग चेक को देख लेते हैं कि असल में चेक क्या होता है। असल में जो चेक होता है
वो कुछ इस अंदाज का डॉक्यूमेंट होता है। अब इसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास नेम आ रहा होता है, यानी कि उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डेट आ जाती है और यहाँ पे अमाउंट आ जाती है और यहाँ पे नेम आ जाता है। अगर कोई पर्सन है तो पर्सन का नेम आ जाएगा, अगर कोई कंपनी है तो कंपनी नेम आ जाएगा, और यहाँ पे अमाउंट की वर्डिंग में आ जाएगी, वो अमाउंट कितनी है तो उसके वर्डिंग में आ जाएगी, या उसको हम लोग जो अपने कॉमन लैंग्वेज है उसमें लिख सकते हैं या फिर उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बैंक का लोगो वगैरह आ जाता है, बैंक का नेम वगैरह आ जाता है, और उसके बाद किस मकसद के लिए है वो चीज़ आ जाती है, और यहाँ पे साइन आ जाते हैं, यानी ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है साइन। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो चेक नंबर होता है वो आ जाता है, और यहाँ पे हमारे पास बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया होता है। इस तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम लोग चेक बोलते हैं। ये चेक बेसिकली जब हम लोग बैंक में प्रेजेंट करते हैं तो इससे हम लोग पैसे निकलवा भी सकते हैं और किसी के और के अकाउंट में इसको डिपॉजिट भी करा सकते हैं। यानी कि चेक के अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं, एक तो बैंक आ गया जिसने ये इसको हैंडल करना है, सेकंड जिसने इसको बनाया है, और थर्ड पे ही होता है यानी जिसने इसको अदा करना है। ये तीनों एलिमेंट आ जाते हैं चेक के अंदर। अब चेक का इस यानी कि टॉपिक में हम लोग मजीद डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसको वीडियो जो है असल में हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन के ऊपर बना रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग उस टॉपिक को ही ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो चलते हैं अपने वापस बैंक रिकॉन्सिलेशन के टॉपिक के ऊपर, लेकिन ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी थी। अब आपको जहाँ पे भी चेक का वर्ड आए तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए चेक से मुराद ये चीज़ है। अब हम आउटस्टैंडिंग चेक को देख लेते हैं। जो आउटस्टैंडिंग चेक है ये बेसिकली क्या होता है, ये असल में हम लोग जो कंपनी होती है वो इश्यू करती है, यानी कि ये कंपनी ने ये चेक अपने जो कस्टमर है उनको दिया होता है ताकि वो बैंक में डिपॉजिट कराएं और वहां से पैसे ले सकें। अब इसमें होता कुछ ही है, कुछ कस्टमर तो उसी वक्त चले जाते हैं लेकिन कुछ लेट भी हो जाते हैं तो कुछ प्रेजेंट नहीं करते, इसलिए इसका यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का वर्ड यूज किया गया। आउटस्टैंडिंग का मतलब यह है कि अभी चेक जो कंपनी ने इशू किए थे वो अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी कि कंपनी के अकाउंट से वो पेमेंट अभी गई नहीं, लेकिन जैसे वो लोग उसको बैंक में प्रेजेंट करेंगे चेक को तो बैंक जो है ऑटोमेटिकली कंपनी के अकाउंट से वो पैसे काट के जो शख्स प्रेजेंट कर रहा होगा उसको वो पेमेंट दे देंगे, तो इसलिए इसको आउटस्टैंडिंग चेक बोला जाता है। तो इस चेक को हम लोग जो बैंक है वो लेस करती है, इसको हम लोग लेस नहीं करते, क्योंकि ये अगर हम लोग में पता चले कि इतने चेक आउटस्टैंडिंग हैं, अगर हम लोग उसको लेस करने कुछ अरसे बाद वो लोग जाकर दोबारा उसमें से क्या करेंगे प्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी मसला हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको यूं ज्यूं करते हैं कि ये लोग ऑटोमेटिकली एक नहीं आज नहीं कल तो ये प्रेजेंट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ एडजस्टेबल हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोग जो आउटस्टैंडिंग चेक हैं उनको लेस कर होते हैं बैंक के बैलेंस में से, यानी कि अब बैंक के बैलेंस में एक तो डिपॉजिट इन ट्रांजिट ऐड हो रहा होता है और आउटस्टैंडिंग चेक लेस हो रहे होते हैं। चलें जी अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक एरर की। बैंक एरर असल में क्या होती है, बैंक एरर आर ट्रांजेक्शन डेट हैज बिन इनकरेक्टली रिकॉर्डेड बाय अ बैंक इन अ कस्टमर अकाउंट, यानी कि बैंक एरर असल में वो इनकरेक्टली जो होती है ट्रांजेक्शन होती है जो बैंक ने हमारे अकाउंट में रिकॉर्ड कर ली होती हैं। दीज एरर आर यूजली फाउंड ड्यूरिंग दी मंथली बैंक रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस, यानी कि ये एरर हमें उस वक्त पता चलती हैं जब हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन बना रहे होते हैं कंडक्ट बाय आ कस्टमर, और बैंक रिकॉन्सिलेशन जो होती है वो कस्टमर ही बना रहा था ताकि उसका जो बैलेंस है बिल्कुल ठीक रहे। वो नोटिफाई दी बैंक, वो बैंक को बताता है तो बैंक उसके बाद उन एरर को क्या करती है करेक्ट कर लेती है। अब ये एरर जो होते हैं हमारे बैंक स्टेटमेंट में ऐड भी हो सकती हैं और लेस भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर ये जो एरर है कुछ इस अंदाज में है कि हमारी अमाउंट कम बनती थी लेकिन बैंक ने ज्यादा काट लिया है तो बैंक उस बैलेंस को ऐड कर देगा हमारे अकाउंट के अंदर, लेकिन अब कुछ यूं भी हो सकता है कि हमारी अमाउंट ज्यादा बनती थी लेकिन बैंक ने कम काट लिया तो उस सूरत में बैंक हमारे जो बैंक एरर है वो हमारे बैलेंस में से लेस हो जाएगी, यानी कि बैंक उस अमाउंट में को लेस कर देगा ताकि उसका अकाउंट का ठीक हो जाए। तो इस वजह से जो बैंक एरर है उसको हम लोग ऐड भी कर लेते होते हैं और लेस भी करते होते हैं, यानी कि इस चीज को आपने गौर से पढ़ना है। जब भी आपको बैंक एरर या हमारे पास बुक एरर को मिल जाए तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हमें ये चीज समझ नहीं आ रही होती कि हमने क्या ऐड करना है या लेस करना है, लेकिन अगर गौर से हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे तो वहां से हमें आइडिया हो जाता है कि हमने अब ये जो है अमाउंट को ऐड करना है या लेस करना है। चलें जी अब इस तरह हमने जो बैंक साइड पे जो हमारी ट्रांजेक्शन आएंगी यानी कि जो अमाउंट्स ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी उनको हमने देख लिया। उसमें डिपॉजिट इन ट्रांजिट था जिसको हमने बैंक स्टेटमेंट में ऐड करना है यानी बैंक बैलेंस में ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग चेक को लेस करना है बैंक साइड
डेबिट में से यानी बैंक के बैलेंस में से, और बैंक एरर जो है ये प्लस भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा एरर के ऊपर। अब जो बुक साइड है उसमें जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसको अब हम लोग देखने लगे हैं, यानी कि वो कौन कौन सी है उसको अच्छे तरीके से हम लोग डिटेल में स्टडी करने लगे हैं, तो उसके बाद हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन में जब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे होते हैं उसके अंदर जो सबसे पहले की जाती है वो बैंक कलेक्शन आती है। बैंक एक्चुअली क्या करती है, इसमें बैंक जो होती है कलेक्ट करती है चेक या मनी ऑन द बिहाफ ऑफ द डिपॉजिटर, यानी कि जो कंपनी के नेम के ऊपर बैंक जो है वो ये मनी या चेक वगैरह कलेक्ट कर लेती है और इस अमाउंट को कंपनी के अकाउंट के अंदर ऐड कर देती है। तो ये चीजें जो होती हैं जैसे बैंक स्टेटमेंट जाती है तो उस वक्त पता चलती हैं, इस वजह से जो बैंक कलेक्शन है उसको हम लोग ऐड करते हैं बुक बैलेंस के अंदर। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता चलूँ, जब ये बैंक कोई भी अमाउंट जो कलेक्ट करती है तो ये बैंक की लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि बैंक ने अब इस अमाउंट को अपने कस्टमर को पे करना है, यानी जिसके अकाउंट में ये अमाउंट ऐड करेगी तो उसके अकाउंट को बैंक एज अ बैंक क्रेडिट कर रही होती है। क्रेडिट का मतलब ये है कि वो उसको एज ए लायबिलिटी बनाती है, तो जैसे इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होती है वो क्रेडिट हो जाती है। तो अक्सर जो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह के भी टेस्ट हो जाते हैं एग्जाम के अंदर के जो बैंक के अंदर जो कस्टमर की मनी है वो बैंक की एसेट है या लायबिलिटी है, तो आप उसको सिंपली आप बताएं कि ये लायबिलिटी है क्योंकि बैंक ने अल्टीमेटली अपने कस्टमर को ये अमाउंट पे करनी होती है, इस वजह से वो इस अमाउंट को क्रेडिट कर रही होती है। लेकिन असल में तो होना यूं चाहिए था जैसे कैश मिला तो इंक्रीज इन एसेट क्या होता है डेबिट होता है, कैश भी हमारा एसेट होता है वो भी डेबिट होता है, और बैंक यहाँ पे कैश में ही डील कर रहा है, लेकिन ये जो कैश है बैंक के लिए एज अ लायबिलिटी बन जाता है क्योंकि इसने ये अमाउंट कलेक्ट करने के बाद अपने कस्टमर को वापसी पे करने, तो इस वजह से इसकी लायबिलिटी होती है। जब भी अगर आपको इस तरह कोई भी क्वेश्चन मिले यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाए तो आपने सिंपली ये बताना कि जो कस्टमर की अमाउंट होती है जो बैंक के अंदर होती है तो बैंक इसलिए क्रेडिट करता है क्योंकि उसकी लायबिलिटी बन रहा होता है। अब बैंक रिकंसिलिएशन जब हम लोग बनाएंगे तो बुक साइड में हम बैंक कलेक्शन को हम लोग ऐड करेंगे, इसको हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे। चलें जी अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है, जिसके लिए हम लोग सम एब्रिविएशन यूज करते हैं EFT। जब भी आपको बैंक स्टेटमेंट के क्वेश्चन के अंदर EFT नजर आए तो आपका समझ आ जाने जा रही है कि इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब इसमें हम लोग फंड क्या होता है रिसीव भी कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। EFT के अंदर रिसीव भी आ रहा होता है और पेमेंट भी आ रहा है, तो हमने उसको ट्रांजेक्शन को गौर से पढ़ने के बाद आइडिया लगाना होता है कि इसमें हमने पेमेंट या अपने अकाउंट से किसी और को पेमेंट भेजवाई है या उससे मनी रिसीव की है। अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज ए ट्रांजेक्शन डेट की प्लेस ओवर अ कंप्यूटराइज नेटवर्क, यानी कि हम लोग इसको जिस तरह ऑनलाइन बैंकिंग होती है बिल्कुल वैसे ही इसको हम लोग डील कर रहे हैं, यानी कंप्यूटराइज नेटवर्क होते हैं जिसके जरिए हम लोग कर रहे हैं। इसके अंदर क्रेडिट कार्ड पेमेंट आ जाती है और ऑनलाइन पेमेंट्स भी आ जाती हैं। इधर अमोंग द अकाउंट्स एट द सेम बैंक, ये अकाउंट जो होते हैं वो सेम बैंक के अंदर भी हो सकते हैं या फिर ये डिफरेंट बैंक्स भी हो सकते हैं, और टू डिफरेंट अकाउंट एट सेपरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि दूसरे इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि जहाँ पे मनी की डीलिंग की जा रही होती है उनको हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो आपने इस जब भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को देखना है या इस तरह का एब्रिवेशन को देखना है तो उसको और से पढ़ना है कि इसमें आया कि हमें मनी रिसीव हुई या हमने पेमेंट की है। अगर हमें मनी रिसीव हुई है तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, लेकिन अगर हमने पेमेंट की है तो हम लोग इस अमाउंट को लेस कर देंगे बुक के बैलेंस में से। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का कोई भी इफेक्ट बैंक बैलेंस के ऊपर नहीं आएगा, उसमें सिंपली तीन ही आएंगे, एक ये हमारा आउटस्टैंडिंग चेक जिसको हम लेस करेंगे डिपॉजिट एंड ट्रांजिट आ जाएगा और बैंक एरर आ जाएगा सिर्फ बैंक की तरफ, बाकी सब जो है हमारे बुक बैलेंस की तरफ ही आएगा। जब भी बैंक स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो उसके अंदर सर्विस चार्जेस लाजमी आएंगे क्योंकि बैंक जो अपनी आपको सर्विस दे रहा था उसके वो चार्जेस भी लेता है, यानी कुछ न कुछ बैंक फी डिटेक्ट कर रहा होता है। अगर कभी आपको बैंक के साथ वास्ता पड़े तो बहुत ज्यादा फीस ये चार्ज करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग उनके से चेकबुक लेते हैं तो उसके चेकबुक के भी चार्ज लेते हैं, उस पर जो चेक की प्रिंटिंग है उसके भी चार्ज लेते हैं। उसके अलावा ये हमें अगर SMS के जरिए भी बता रहे होते हैं कि आपके इतने ट्रांजेक्शन हुई हैं और इस वक्त हुई हैं और इतनी अमाउंट कट हुई है तो उसके भी ये चार्जेस डिटेक्ट कर होता है। और इसके अलावा अदर चार्जेस भी हो सकते हैं, यानी कि इसके अंदर अगर हमने बैंक से लोन ले लिया है तो उसके भी चार्ज ये डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने जो बैंक चार्जेस हैं उसको हर हाल
में लेस करना है बुक बैलेंस में से। इंटरेस्ट रेवेन्यू ये बेसिकली ऐसे होता है कि जब हम लोग बैंक में मनी डिपॉजिट कराते हैं तो सम टाइम हमारे अकाउंट की ऐसी यानी कि टाइप होती है सेविंग अकाउंट जिसको बोला जाता है, तो उसके अंदर ये होता है कि बैंक उस मनी के ऊपर हमें इंटरेस्ट भी दे रहा होता है जो हमारे लिए एज अ रेवेन्यू होता है, लेकिन बैंक के लिए वो लायबिलिटी होता है। अब हम लोग जो इंटरेस्ट रेवेन्यू है इसको हम लोग ऐड करेंगे अपने बुक बैलेंस के अंदर, क्योंकि इसमें हमारे कैश में ना इजाफा हो रहा है, तो इस वजह से इसको हम लोग ऐड कर देंगे। लेकिन अब यूं भी हो सकता है कि जो नोट पेबल होते हैं या समथिंग, तो उसके अंदर इंटरेस्ट पेबल भी हो सकता है, यानी कि अगर हमने बैंक से कोई नोट वगैरह लिया हुआ है तो उस पर हम लोग बैंक को पेमेंट करें, तो वहाँ पे हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जैसे आएगा तो उसको हमने अपने बुक बैलेंस में से लेस कर देना है। तो आपने इस चीज को गौर से देखें, इंटरेस्ट रेवेन्यू है या इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस होगा उसको लेस करेंगे, रेवेन्यू होगा तो उसको ऐड करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर हमारे कैश के अंदर इजाफा हो रहा है तो इसलिए हम लोग ऐड कर देंगे, और एक्सपेंस के ऊपर हमारे कैश में कमी हो रही है तो इसलिए उसको हम लोग लेस कर देंगे। जब आपको बैंक स्टेटमेंट बनाते हुए NSF चेक यानी कि नॉन सफिशिएंट फंड चेक्स के साथ भी लाजमी वास्ता पड़े, तो ये होता है क्या असल में? असल में ये होते हैं कि हम जो कस्टमर चेक दे के जाते हैं कि आप हमारे हमसे ये अमाउंट लेना चाहते हैं तो ये हमारा चेक रख लें और इसको अपने बैंक में डिपॉजिट करें और ये हमारे से अमाउंट ले लें, तो उसको जैसे हम लोग अपने बैंकों में इनको जमा कराते हैं तो बैंक उनको कुछ दिनों बाद यानी हमें बताती है कि इन ये जो चेक आपने जमा कराया था इसमें से कुछ चेक ऐसे हैं जो कस्टमर के अकाउंट में पैसे मौजूद ही नहीं थे, तो इस वजह से वहां से हम लोग वो पैसे नहीं कलेक्ट कर पाए, तो उसको हम लोग खास टर्मिनोलॉजी देते हैं नॉन सफिशिएंट फंड चेक, जिसको NSF चेक बोला जाता है। अच्छा, अब ये चेक जैसे आते हैं तो अब हमने इस इन चेक को जब बैंक में जमा कराया होता तो उस वक्त हम लोग इसको ऐड करके बैठे होते हैं, यानी कि हमने हमने कैश के अंदर ऐड किया होता है ये हमारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जैसे हमारे इलम में आते हैं कि तो नॉन सफिशियंट फंड हो गया तो उसको हम लोग अपने बैलेंस में से यानी बुक के बैलेंस में से लेस कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ खास टर्मिनोलॉजी है जो उसको भी आपने यहाँ पर रखना है, इसमें जो होते हैं NSF चेक को हम लोग बाउंस चेक भी बोला जाता है। अच्छा, बाउंस चेक मोस्टली बैंक जो होती हैं बैंक जो के मैनेजर वगैरह वो बोल रहे होते हैं कि आपके चेक ना बाउंस बैक हो गया, इसका मतलब यानी वापसी आ गया, इसको बैड चेक भी बोला जाता है, या इसके अलावा डिसओनर चेक भी बोला जाता है। डिसओनर का मतलब है कि ओनर का मतलब होता है इज्जत, डिसओनर का मतलब है कि इस चेक को इज्जत नहीं मिली, यानी कि ओनर हो जाता तो इसका मतलब है कि ये चेक कैश हो जाता है, इसको इज्जत मिली है, डिसओनर का मतलब है इसको इज्जत नहीं मिली यानी बैड चेक। तो अब अगर इस तरह की टर्मिनोलॉजी भी हो तो उससे भी आपने परेशान नहीं होना, लेकिन ये बहुत रियल कम चांसेस है कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी आपको मिले, सिंपली आपको NSF चेक ही मिलेगा, तो आपने उसको सिंपली बुक बैलेंस से लेस करना है। चलिए जब हम लोग बात कर लेते हैं बुक एरर की, इसमें ऐसा होता है कि जो अकाउंटेंट होते हैं उनसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, जब वो बहुत ज्यादा डेटा अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर सम टाइम मिस्टेक होने के भी चांसेस होते हैं, अगर वो मिस्टेक्स हो जाए तो उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, यानी कि ये क्वेश्चन के अंदर मौजूद होगा कि वो किस तरह के मिस्टेक हैं। अक्सर यूं होता है कि फॉर एग्जाम्पल अमाउंट थी 71 तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर उसको 71 रिकॉर्ड नहीं किया बल्कि 17 रिकॉर्ड कर लिया, तो इस तरह की मिस्टेक हो जाती हैं। तो इस तरह वाली जो मिस्टेक्स हैं इसको आपने आइडेंटिफाई करके उनका जो नेट इफेक्ट होगा उसको आपने ऐड करना है, अगर ऐड होती हैं तो ऐड करना है, अगर लेस होती हैं तो लेस करना है। तो आपने यानी कि जो बुक कह रहा है ना ये ऐड भी हो सकती हैं और लेस भी हो सकते हैं, यहाँ पे खास ख्याल रखना है आप, क्योंकि अगर इसका खास ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे एरर आ जाएंगे, हमारे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन टैली नहीं होगा तो और मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। चलें जी, अब एंड में दोबारा हम लोग देख लेते हैं जो बैंक रिकॉन्सिलेशन को बनाने के लिए हमें बुक साइड पे डिपॉजिट एंड ट्रांजिट को चाहिए, तो ये डिपॉजिट एंड ट्रांजिट जो है ये बैंक बैलेंस में ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग चेक जो है वो लेस हो जाएंगे, बैंक एरर ये ऐड भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा एरर के ऊपर। अब जो बुक साइड पे बैंक कलेक्शन है वो ऐड होंगी, और इलेक्ट्रॉनिक जो फंड ट्रांसफर है इसमें अगर रिसीप्ट है तो ऐड होगा, अगर पेमेंट है तो उसमें लेस होगा, बैंक चार्जेस हैं वो लेस होंगे, इंटरेस्ट रेवेन्यू जो है वो ऐड होगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा तो वो लेस हो जाएगा। नॉन सफिशियंट फंड है चेक जो है जिसको NSF चेक बोला जाता है, तो ये हमारे उसमें से लेस हो जाएंगे, जो अगर हमारे पास कास्ट ऑफ ट्रेंडिंग चेक्स दी होगी तो वो भी लेस हो जाएगी। बुक एरर जो है वो डिपेंड करेगी कि
प्लस होना है या उसने लेस होना है, वो क्वेश्चन के डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। चलें जी, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन के क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब इसमें जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो दो चीजें आपको होंगी, यानी कि बैंक बैलेंस होगा और बुक बैलेंस होगा। अच्छा, ये जो बैंक बैलेंस है और ये जो बुक बैलेंस है ये अनएडजस्टेड बैलेंस है, यानी कि अभी हम लोग इनको एडजस्ट करेंगे तो ये दोनों जो एंडिंग बैलेंस आएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये होगा कि ये रिकॉन्साइल हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारे ये जो क्वेश्चन है बेसिकली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस तरह का इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा मुश्किल मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से आपको समझाया जाए। जितने अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो भी सिचुएशन आपको दी जाएगी आप उसको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे बुक साइड और बैंक साइड ये जो है अलग अलग ट्रांजेक्शन दी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन जो आपको दिया गया ये मिक्सिंग होगी तो आपने उसमें खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि ये बुक वाली साइड पे जाएगी या बैंक वाली साइड पे जाएगी। अब इसमें हमारे पास बुक वाली साइड पे है डिपॉजिट इन ट्रांजिट, आपको पता है डिपॉजिट इन ट्रांजिट हम लोग क्या करते हैं ऐड करते होते हैं, और बैंक एरर है, बैंक एरर जो है द बैंक डिटेक्टेड 100 फॉर अ चेक रिटर्न बाय एन अदर कंपनी, के बैंक ने असल में एक दूसरी कंपनी का जो $100 थे वो हमारे अकाउंट में से कट कर लिया। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको $100 को ऐड करेंगे बैंक बैलेंस के अंदर, और जो आउटस्टैंडिंग चेक है ये आउटस्टैंडिंग चेक ऐसे चेक होते हैं जो अभी प्रेजेंट नहीं किए हुए, यानी कि हमने इशू तो कर दिए हैं कस्टमर को लेकिन कस्टमर ने अभी ये पेमेंट हमारे अकाउंट से नहीं ली हुई है, इसलिए ये आउटस्टैंडिंग चेक यहाँ पे आया, यानी कि इसलिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का वर्ड है। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग चेक जो है इनके कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे इनके कुछ अमाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और इसको यहाँ पे टोटल हमें बताया हुआ कि ये है 1340। और जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग चेक है आपको पता है कि ये बैंक कंसोलिडेशन में से लेस होते हैं, यानी कि बैंक की जो साइड में से ये लेस होंगे। अब हम लोग बुक वाले साइड पे देख लेते हैं, इसका बिगनिंग बैलेंस यहाँ हमें ऊपर दिया हुआ है और यहाँ पे EFT रिसीव्ड ऑफ योर डिविडेंड रेवेन्यू अर्नड ऑन एन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें डिविडेंड रेवेन्यू रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो है $900। अब यहाँ पे ये डॉलर में भी हो सकते हैं अमाउंट रुपीज में हो सकते हैं, ये क्वेश्चन के डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड पे है हमारे पास है बैंक कलेक्शन है, यानी कि बैंक ने कलेक्शन की है कुछ अमाउंट ऑफ यूर अकाउंट रिसीवेबल की, वो है हमारे पास 2100। तो इसका मतलब ये अमाउंट भी हमारे बैंक के बैलेंस में एड हो जाएगी, और ये जो EFT रिसीव्ड है यानी कि जो हमें पेमेंट रिसीव हुई है ये भी हमारे बुक के बैलेंस में एड हो जाएगी, और ये बैंक कलेक्शन है ये भी हमारे बुक के बैलेंस में ऐड हो जाएगी। इंटरेस्ट रेवेन्यू अर्न्ड ऑन योर बुक बैलेंस, यानी कि यहाँ पे जो हमारा बैलेंस हमने बैंक में रखवाया होता है उस पर हमें इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीव हुआ है वो 30 है, वो भी हमारे बुक के बैलेंस में ऐड हो जाएगा। जो बुक एरर थी, अब यहाँ पे कुछ एरर हो गया, वो एरर ये है यू रिकॉर्डेड चेक नंबर 333 फॉर 510 दिस द अमाउंट यू एक्चुअली पेड ऑन अकाउंट वाज, लेकिन असल में जो हमने अमाउंट पे किया वो 150 है, तो हमने ज्यादा अमाउंट क्या की हुई है चार्ज की हुई, यानी हमने कट की हुई थी लेकिन असल अमाउंट कम बनती, तो इस सूरत में ये एरर जो है हमारे उसमें ऐड हो जाएगी, और इसका जो नेट इफेक्ट आएगा 510 में से हम लोग जब 150 को लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 का जो बैलेंस है वो हम लोग अपने बुक बैलेंस वाली साइड पे ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है सर्विस चार्जेस हैं जो बैंक के वो हमारे पास हैं जी $20, वो हम लोग लेस कर देंगे। उसके बाद NSF चेक है, इसका मतलब ये है कि नॉट सफिशिएंट फंड चेक, वो हमने कस्टमर से $50 के थे, अब इन NSF चेक जो होते हैं वो लेस होंगे बुक बैलेंस में से, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और इसके बाद लास्ट में है EFT पेमेंट्स हैं ऑफ इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, अब यहाँ पे EFT यहाँ पे रिसीप्ट थी तो हमने ऐड किया था, अब यहाँ पे पेमेंट है EFT तो हम लोग इसको लेस कर देंगे। EFT आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। चलें जी, अब हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगे हैं। जो अब बैंक रिकॉन्सिलेशन का क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करते हुए सबसे पहले कंपनी नेम आपने लिखना है इसको मिड में, उसके बाद नीचे लिखना है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और उसके बाद उसका डेट लिखनी है। इन चीज़ों के भी खास मार्क्स दिए होते हैं, आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। अब उसके बाद आपने एक जो साइड उस पर वहाँ पर हेडिंग देनी है बैंक की, और दूसरी साइड पर हेडिंग दे देनी है बुक की। अच्छा, अगर आपके पास जगह कम है तो आप सिंपली ऊपर बैंक देख के नीचे यहाँ पे आप बुक के हेडिंग लेदा नीचे देख के उसके बाद बाकी जो है ना कैलकुलेशन वहाँ पे करेंगे।
लेकिन यहाँ पे साइड बाय साइड इसलिए यहाँ पे आपको मैंने बनाया ताकि ये क्वेश्चन को यहाँ पे समझाना काफ़ी इजी हो जाएगा। इस वजह से इस तरीके से यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया। और यहाँ पे आपने जैसे ये दे देना, उसके बाद आपने जो बिगिनिंग बैलेंस होंगे यानी कि जो अनएडजस्टेड बैलेंस होंगे बैंक का, वो यहाँ पे हमारे पास है 5,900, उसको हम लोग शुरू में लिख देंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो चीज़ें ऐड होती हैं उनको सबसे पहले लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग जो चीज़ें लेस होती हैं उनको लिखेंगे। अब यहाँ पे जो ऐड होती हैं, जो फर्स्ट है डिपॉजिट इन ट्रांजिट, वो ऐड हो जाएगी, वो है 1,600, उसको हम लोग ऐड कर देंगे बैंक के बैलेंस में। और जो बैंक एरर थी, जो बैंक ने 100 जो डॉलर थे जो हमारे अकाउंट में से काटे थे किसी और कंपनी के, तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे इसमें अपने बैंक के बैलेंस के अंदर। तो अब सिर्फ यहाँ पे दो ही ट्रांजैक्शन आएंगे यानी कि डिपॉजिट इन ट्रांजिट और बैंक एरर आ सकती है। इन सब को जब हम लोग टोटल करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आता है वो 7,600 आता है। उसके बाद हम लोग लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग चेक को। अब यहाँ पे हमारे पास आउटस्टैंडिंग चेक जो है वो दिए हुए हैं, उनके नंबर दिए हुए हैं। हमने आउटस्टैंडिंग चेक की यहाँ पे ऊपर थोड़ा हेडिंग दे देनी है, उसके बाद जो है हमारे पास आउटस्टैंडिंग चेक है उनको नीचे मेंशन कर देना है जैसे यहाँ पे है, और उनके अमाउंट को हमने यूं लहदा सेपरेट करके नीचे एक स्मॉल सी लाइन लगानी है। और ये जितनी जो टोटल बनते थे, अगर टोटल यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर ना दिया हो तो आपने खुद ही टोटल इनको कर लेना है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये बनते हैं 1,340, उसको हमने लिख लेना है। अब ये चीज़ लेस होनी, तो इसलिए हमने इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख लिया है, क्योंकि अकाउंटेंट जो है ब्रैकेट यूज करते हैं, उसका मतलब ये तो ये अमाउंट लेस होगी। अब 7,600 में से जब हम लोग लेस कराएंगे 1,340, तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो आएगा 6,260 आएगा। अब इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो आंसर है इसको बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग वर्डिंग खास लिखेंगे एडजस्टेड बैंक बैलेंस। हमारे पास एडजस्टेड बैंक बैलेंस का बैलेंस आ चुका है। अब हम जो बुक साइड है उस पे जो एडजस्टमेंट होगी उसको देख लेते हैं। बुक साइड में सबसे पहले अगेन जो इसका बिगिनिंग बैलेंस होगा वो आ जाएगा, इस पे हम लोग बैलेंस लिख देंगे। अगर उसकी साथ डेट होगी तो डेट वगैरह भी लिख देंगे, ये हमारा बिगिनिंग बैलेंस किस डेट में है। उसके बाद हम लोग फोर पे चलते हैं, ईएफटी रिसीप्ट है, ये हमारे ऑफ योर डिविडेंड रेवेन्यू अर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट, वो है 900, ये हमारे ईएफटी रिसीप्ट हुआ, तो इस वजह से ये ऐड कर देंगे हम लोग इसको। 900 को यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, ये फोर जो ट्रांजेक्शन थी। उसके बाद हम लोग फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे चले जाते हैं, वहाँ पे क्या हुआ, बैंक कलेक्शन ऑफ योर अकाउंट रिसीवर, बैंक ने कलेक्ट किया है वो है 2,100, उस पर हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवर वो है 2,100, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। और सिक्स पे चले जाते हैं, सिक्स पे जब हम लोग जाते हैं तो हमारे पास जो है इंटरेस्ट रेवेन्यू अर्न ऑन योर बैंक बैलेंस जो है वो 30 है। अब ये इंटरेस्ट रेवेन्यू अर्न हुआ है, तो इस वजह से हम इस 30 को यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट रेवेन्यू अर्न ऑन बैंक बैलेंस। अब उसके बाद सेवन पे हमारे पास बुक एरर है, यहाँ पे बुक एरर जो थी उसमें हमारे पास जो चेक था 510 का है, उसको असल में वो था 150 का, ये बेसिकली टाइपिंग एरर हुई है अकाउंटेंट से, तो इसका हम लोग जो डिफरेंस है उसको हम लोग ऐड कर देंगे, वो डिफरेंस हमारे पास आता है 360। 360 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे ये करेक्शन ऑफ द बुक एरर। उसके बाद हमने, अब पहले हमने बैंक बैलेंस से लिखा है, उसके बाद हमने जो चीज़ें ऐड होती हैं उनको लिखना है, उसके बाद लेस की हमने यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद जो चीज़ें लेस होती हैं उसको लिखेंगे। अब यहाँ पे जो लेस होती हैं सर्विस चार्जेस हैं, जो बैंक हमें सर्विस दे रहा है वो हमारे लिख दिया, वो हमारे पास यहाँ पे 20 हैं। और नॉट सफिशियंट फंड यानी कि जो चेक हैं NSF चेक, ये ऐसे चेक हैं जो हमने क्लाइंट से ले लिए, लेकिन जब हमने बैंक में डिपॉजिट कराया तो वहाँ से हमें पता चला कि अकाउंट के क्लाइंट के अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो बैंक ने बताया कि यहाँ पे तो पैसे ही नहीं है, तो इस वजह से NSF चेक जो होते हैं उसको हम लोग लेस करेंगे, क्योंकि अब हमने ये अमाउंट हमें मिली नहीं, तो इस वजह से हम लोग इसको लेस करेंगे। अब जो EFT पेमेंट है ऑफ इंश्योरेंस एक्सपेंस, वो हमने अगर पेमेंट हुई है तो EFT जो हमारे लेस हो जाएगी, उसको हम लोग लेस करेंगे। जब हम लोग इन सब अमाउंट को ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आएगा वो आता है 470 आता है। अब ये चीज़ लेस होने, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख देना है। अब जब हम लोग इन टोटल में से जो हमारे पास बिगनिंग बैलेंस था, जो हमने जो चीज़ें ऐड हुई हैं हमारे बुक बैलेंस के अंदर, वो जो हमारे पास टोटल आता है वो आता है 6,730, उसमें से जब हम लोग लेस करते हैं 470, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 6,260 आ जाता है। अब ये वाला आंसर
और जो हमारे पास ये वाला आंसर है, ये दोनों बिल्कुल सेम होंगे। अगर ये बिल्कुल सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। अब इस यहाँ पे भी हम लोग एडजस्टेड बुक बैलेंस लिखेंगे, और इस तरीके से हमारे पास बैंक रिकॉन्सिलेशन ये जो है स्टेटमेंट हमारे पास बन चुकी है। चलें जी, अब हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना सीख लिया है। उसके बाद अब हम लोग एक चीज़ और सीखनी है कि अगर हमें एडजस्टिंग एंट्रीज का पूछा जाए कि बैंक रिकॉन्सिलेशन की एडजस्टिंग एंट्रीज भी आपने करनी है तो उसको किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट करनी है, जो बैंक वाले साइड पे जितनी भी चीज़ें होंगी इनका कोई भी लिंक नहीं है हमारे एडजस्टिंग एंट्री का। हमारी जो एडजस्टिंग एंट्री का लिंक है जस्ट बुक साइड वाले ही चीज़ों का है, क्योंकि यही हमारे बुक्स में अफेक्ट कर रही है, तो इसको ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ये बैंक वाले जाने और बैंक वालों का काम जाने, लेकिन इन्हीं एंट्रीज को हमने अपने साइड पे जो है रिकॉर्डिंग करनी है। ये बिल्कुल वैसे है जिस तरह हम आम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। अगर इंक्रीज इन एसेट को उसको डेबिट करेंगे, अगर डिक्रीज इन एसेट को क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज इन लाइबिलिटी होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज इन लाइबिलिटी होगी उसको डेबिट करेंगे, इंक्रीज इन रेवन्यू होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज इन रेवन्यू होगा तो उसको डेबिट करेंगे। सिंपल सा वही रूल्स हैं जो बेसिक रूल्स हैं। इसकी सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं, आप इल्मा चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे तरीके से डेबिट और क्रेडिट के एक्सप्लेनेशन की हुई है, तो उसको आपने अच्छे तरीके से वहाँ पे देख लेना है। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने एडजस्टिंग एंट्री किस तरह करनी है। अब यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे है, EFT रिसीव्ड ऑफ योर डिविडेंड रेवेन्यू अर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट इज 900। अब हमने EFT जो रिसीव किया है डिविडेंड रेवेन्यू के अंदर, तो इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि हमने तो एक तो कैश रिसीव किया है, इंक्रीज इन एसेट जो है कैश में इजाफा हो तो वो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे डिविडेंड रेवेन्यू ये हमारा रेवेन्यू अकाउंट है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट में भी इजाफा हुआ है तो इंक्रीज इन जो रेवेन्यू तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। तो इसके हम लोग एडजस्टिंग एंट्री देखते हैं कैसे करते हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो हमने जो बैंक स्टेटमेंट बनाए थे तो उसमें भी हमने इसे 900 को ऐड किया था। इसका मतलब यह है कि हमारे कैश में 900 का इजाफा हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ जब एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले डेट आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे जो अकाउंट वगैरह यूज होंगे वो आ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट्स आ जाएंगे। जिस तरह हम लोग आम एंट्रीज करते हैं बिल्कुल वैसे ही ये एंट्रीज होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कैश में इजाफा हुआ था 900 का, तो हमने इंक्रीज इन एसेट जो था उसको हमने यहाँ पे 900 लिख दिया, और यहाँ पे जो डिविडेंड रेवेन्यू जो है वो उसमें इजाफा होता है, जो इंक्रीज इन रेवेन्यू जो होता है वो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, और इंक्रीज इन एसेट जो होता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रिंसिपल को हमने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो हमने यहाँ पे कैश को डेबिट कर देना है 900 से, डिविडेंड रेवेन्यू को हमने क्रेडिट कर देना है 900 से, और नीचे यहाँ पे हमने उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख देनी है, रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड रेवेन्यू अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसको हमने यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरीके से हमारी एक जो है एडजस्टिंग एंट्री हो गई है। अब हम लोग सेकेंड जो है एडजस्टिंग एंट्री की तरफ चलते हैं। तो अब हमारे इस डेटा के अंदर जो सेकेंड एडजस्टिंग एंट्री है वो है बैंक कलेक्शन ऑफ योर अकाउंट रिसीवेबल। यहाँ पे बैंक ने कलेक्शन की है अकाउंट रिसीवेबल की, वो क्या हुई है हमारे पास 2100 की हुई है। अब इसमें क्या हुआ है, बैंक ने एक तो कैश रिसीव किया है और दूसरा हमारे जो अकाउंट रिसीवेबल है उसमें कमी हुई, यानी कि कैश में इजाफा हुआ है और अकाउंट रिसीवेबल में कमी हुई है। तो इसमें दोनों एसेट अकाउंट यूज हुए हैं, एक में इजाफा हुआ है एक में कमी हुई है। जिस अकाउंट में इजाफा हुआ है उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, कैश में इजाफा हुआ है तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, तो अकाउंट रिसीवेबल है उसमें कमी हुआ है तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अब अगर हम लोग इसको इसी चीज़ को यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में देखें तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में देखें तो वहाँ पे हमने क्या किया था, इसको 2100 को हमने ऐड किया, तो इसका मतलब भी यही है कि यहाँ पे हमने कैश में इजाफा ही किया है। तो आपने सिंपली जब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना लेनी है तो आपने उसको देख लेना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आपने सिंपली उसको देख लेना है, उसमें अगर आपने ऐड करे तो इसका मतलब है ये चीज़ जो है हमारे कैश में इजाफा करी, तो इसलिए हम लोग कैश को डेबिट करेंगे, उसके जो दूसरी चीज़ होगी उसको हम लोग ऑटोमेटिकली क्रेडिट करेंगे। अब इस केस के अंदर हमारे पास जो कैश में इजाफा हुआ है वो 2100 का हुआ है, उसमें हमें इंक्रीज इन एसेट जो है कैश में इजाफा हुआ तो उसको हमने डेबिट कर दिया, और अकाउंट रिसीवेबल जो है उसमें कमी हुई है तो उसको हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल कलेक्टेड बाय दी बैंक, कि बैंक ने ये अकाउंट रिसीवेबल जो था कलेक्ट किया था, तो इस वजह से हमने ये एंट्री पास कर दी। अब हम लोग थर्ड एंट्री की तरफ चले जाते हैं। जो हमारी थर्ड एंट्री है वो इंटरेस्ट रेवेन्यू अर्न ऑन योर बैंक बैलेंस इज 30 है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें हमारे पास एक तो कैश हुआ है और दूसरा जो हमारा इंटरेस्ट रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, यानी कि एक तो एसेट में इजाफा हुआ दूसरा रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। इंक्रीज इन एसेट जो है उसको डेबिट कर देंगे, इंक्रीज इन रेवेन्यू है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे।
अब इसमें हम लोग कैश को 30 से डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट रेवेन्यू को हम लोग 30 से क्रेडिट करेंगे। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पे 30 में जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई थी तो बुक बैलेंस में 30 को यहाँ पे ऐड भी कराया था। तो इसकी जब हम लोग एंट्री पास करेंगे तो सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो इसमें हम लोग कैश को हम लोग डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट रेवेन्यू को यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर देंगे 30 से, और यहाँ पे नीचे हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट अर्न ऑन द बैंक बैलेंस। अब यहाँ पे कैश में इजाफा हुआ था 30 से, इंक्रीज इन एसेट ऑलवेज डेबिट और इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑलवेज क्रेडिट, इस चीज को आपने माइंड में रखना है। अब हम अपनी 7 ट्रांजेक्शन की तरफ चले जाते हैं। उसमें क्या हुआ है, बैंक एरर है। यहाँ पे हम यू रिकॉर्डेड चेक नंबर 3333 फॉर 510, ये हमने एक चेक जो था उसको रिकॉर्ड किया था। ये बेसिकली हम लोग किसी को पेमेंट कर रहे थे, वहाँ पे हमने इसको 510 से रिकॉर्ड किया था, बट दी एक्चुअल अमाउंट ऑन पेड ऑन अकाउंट वाज 150 थी, यानी कि ये टाइपिंग एरर हुई थी हमारे से। तो इसके जो डिफरेंस था वो हमारे पास 360 का आया था। तो इसमें क्या होगा, इसमें अब तो हमारा एक तो कैश में इजाफा हो रहा है और सेकेंड जो हमारा अकाउंट पेबल है वो अकाउंट इफेक्ट होगा। तो इसको अगर हम लोग गौर से देखें तो हमने इसकी जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई थी तो उसमें क्या ट्रीटमेंट की थी, तो उसमें हमने 360 को ऐड किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसमें कैश में इजाफा किया था, तो सिंपली हम लोग कैश को वाले हेड को यहाँ पे डेबिट करा देंगे क्योंकि इंक्रीज इन एसेट हुआ है 360 से, उसको हम लोग डेबिट करा देंगे और जो दूसरा है अकाउंट पेबल है उसको हम लोग क्रेडिट करा देंगे। और यहाँ इस चीज़ को गौर से देखना है एरर को, क्योंकि इस एरर की वजह से ये एंट्री इफेक्ट हो सकती है। अगर यहाँ पे अमाउंट हम लोग कुछ इस अंदाज में रिकॉर्ड करते कि जो चेक था वो 150 का था और जो असल पेमेंट थी वो 510 की थी, तो जो डिफरेंस था 360 का, तो उस सूरत में हमारा यहाँ पे जो कैश था वो डिक्रीज हो जाना था और यहाँ पे अकाउंट पेबल जगह पे अकाउंट रिसीवेबल आ जाने थे। यानी कि इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, एरर की वजह से आपने यानी कि ना पूरी तवज्जो के साथ उसको अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद हमने नीचे लिख देना है करेक्शन ऑफ द चेक नंबर दिस, या जो एरर हो गया उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद अगले एंट्रीज हैं उनके तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो 8 एंट्री है बैंक सर्विस चार्जेस हैं। यहाँ पे हमने बैंक को ये चार्जेस वगैरह पे किए हैं। अगर अब लोग इसकी ट्रीटमेंट देखें तो हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या कहती है, हमने लेस किया था सर्विस चार्जेस को। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा कैश में कमी हो रही है, हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो जो डिक्रीज इन एसेट है वो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे और जो बाकी जो दूसरा हेड होगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे। अब सर्विस चार्ज के लिए मोस्टली हम लोग मिसलिनियस एक्सपेंसेस का हेड यूज़ करते हैं, बाद का हम लोग यहाँ पे बैंक चार्जेस भी लिख देते हैं जो आपके बुक में मौजूद हों उसके मुताबिक आपने इसकी एंट्री कर लेनी है। यहाँ पे मिसलिनियस एक्सपेंसेस हमने लिख दिया और क्योंकि एक्सपेंसेस में इजाफा हुआ है तो इसलिए इसको हमने डेबिट कर दिया, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिटेड। और जो कैश है, कैश हमारा एसेट है, एसेट में कमी हुई तो उसको हमने 20 से क्रेडिट कर दिया और नीचे हमने लिख दिया बैंक सर्विस चार्ज को। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, NSF चेक जो है फ्रॉम अ कस्टमर वो 50 है। अब इसको जो NSF चेक कैसे है, ऐसे चेक होते हैं जो हमें कस्टमर को हमने इशू किया था लेकिन हमें पेमेंट नहीं मिली, तो इसको हमने जब यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन बनाई थी तो उसमें हमने इसको लेस किया था। तो इसको जब हमने एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है तो वो खास ख्याल रखना है कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल थे, ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल का हेड यूज़ किया है। तो अब हमारे बेसिकली हमें पेमेंट नहीं मिली लेकिन वो हमारे अकाउंट रिसीवेबल तो हैं। जब हम लोग इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज कर रहे थे यानी जब हमने NSF चेक इशू किए थे तो उस वक्त हमने क्या एंट्री की होगी, उस वक्त हमने ये एंट्री की होगी कि हमें कैश को डेबिट किया होगा और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया होगा कि हमें ये पैसे मिल जाएंगे। तो लेकिन अभी ये पैसा हमें मिले नहीं है, तो इस वजह से एंट्री को हम लोग इस वजह से अकाउंट रिसीवेबल को हमने डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। अच्छा, ये NSF चेक जो है ये एडजस्टिंग एंट्री हर हाल में आपको मिलेगी बैंक रिकंसिलिएशन के क्वेश्चन के अंदर, तो इसको गौर से ले देखना है। अपने अकाउंट रिसीवेबल वाले हेड को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है, क्योंकि ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल जो है एसेट में इजाफा हुआ है, जो इंक्रीज इन एसेट ऑलवेज डेबिट। अब कौन सा एसेट में इजाफा हुआ, क्योंकि हमने उनसे पेमेंट लेने थे, ये हमारे अकाउंट रिसीवेबल थे, तो उस वजह से हमने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देना और कैश को क्रेडिट कर देना है। अब हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन आ गई है, EFT पेमेंट ऑफ द इंश्योरेंस एक्सपेंसिस आ गई है, वो 400 है। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप इस वीडियो को
यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप ilma.pk को फेसबुक पे सर्च करके वहाँ से भी हमारे पेज को फॉलो कर लें। अगर आप इस वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ से ilma.pk को यूट्यूब पे सर्च करके हमारे चैनल को भी फॉलो कर लें ताकि आपको बहुत अच्छी से अच्छी वीडियोस मिल सकें। कुछ अच्छा कंटेंट फेसबुक पे मौजूद है, कुछ अच्छा कंटेंट जो है हमारा यूट्यूब पे मौजूद है। अभी हमें टाइम नहीं मिल रहा है तो जिसकी वजह से हम लोग इसको एक साइट भी वेबसाइट भी बना रहे हैं जहाँ पे ilma.pk के ऊपर आपको एक मुकम्मल कोर्सेज मिलेंगे वो भी फ्री इंशाल्लाह। अब हम लोग इस एंट्री को भी देख लेते हैं। अब EFT पेमेंट में इंश्योरेंस एक्सपेंसिस हुए इंक्रीज इन एक्सपेंसिस है उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, और जो इसके साथ जो दूसरा अकाउंट यूज होगा क्योंकि ये कैश में हमने की है पेमेंट तो हम लोग कैश को क्रेडिट कर देंगे। अगर हम लोग इसकी ट्रीटमेंट को यहाँ पे देखें कि हमने कैसे किया है, EFT पेमेंट ऑफ द इंश्योरेंस एक्सपेंसिस जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन के अंदर बुक के बैलेंस में हमने लेस की थी, तो इसको हम लोग जब इसकी एंट्री पास करेंगे तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस में जब भी इजाफा होगा तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे। तो हमने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया 400 से, और नीचे कैश को हमने क्रेडिट कर दिया 400 से, और यहाँ पे हमने पेमेंट ऑफ द मंथली इंश्योरेंस एक्सपेंस यानी कि किस किस एक्सपेंस है उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है, और यहाँ पे डेट वगैरह आती रहेगी। इस तरीके से हमने एडजस्टिंग एंट्रीज को बैंक रिकंसिलिएशन बनाने के बाद हमने पास कर देना है। अब जस्ट हम लोग इसका फॉर्मेट बना लें, ऊपर हम लोग जो रहते हैं डेट हो गए, पार्टिकुलर्स हो गए, और डेबिट क्रेडिट वाली जो हेडिंग होती है वो लिख दें तो उसके भी हमारे नंबर मिलते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के नंबर होते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे अगर पीस हैं तो पीस में लिख दें, साथ आप अमाउंट है अमाउंट में लिख दें ताकि आपके कहीं से भी कोई मार्क्स ना कटें। तो इस तरीके से हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाए हैं कि हमने बैंक रिकंसिलिएशन का भी कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करनी है कि पास का कुछ बुक्स होती हैं वो बैंक के बैलेंस को लेके बुक के बैलेंस की तरफ लेके जा रही होती हैं, तो उस सूरत में आपने उन चीज़ों से कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना। उसके ऊपर भी हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे उस सिचुएशन को हमने किस तरीके से हैंडल करना है। लेकिन अभी तक जो यूनिवर्सल जो होते हैं इंटरनेशनल क्लासेस में और जो बाकी जो क्लासेस हैं उसके अंदर सिंपली यही मेथड ही फॉलो किया जा रहा है, तो आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने अपने बैंक रिकंसिलिएशन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और आपके यानी कि अब इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट रह नहीं गया जो कवर ना हुआ। अगर आपको लगे कोई भी पॉइंट ऐसा है जो अभी तक समझ नहीं आया तो आपने कमेंट्स करके लादमी पूछ लेना ताकि हम लोग उसको सेपरेट उसी पॉइंट को कवर करने के लिए एक और वीडियो बनाए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत यानी बेहतर तरीके से क्लियर हो सकें और आपके अच्छे अच्छे मार्क्स हो सकें। चलें जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अच्छे टॉपिक के अंदर, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।